बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ये न्यू ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए हमने टेपी को काट के अपनी ट्राउज़र पे चिपका लिया है, जिसको हमने इस तरह से काटा है। ये हमने एक पतली बनाई है गुलाई में काट के, इसके दरमियान में से ये वाली पत्ती निकाली है, जिसको हमने इस तरह से रखते हुए ट्रेस लिया है 3 इंच के फासले पे। सबका दरमियान का फासला 3 इंच का है। गुलाई में से भी हमने चेपी को काट दिया है, जिसको हम ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। इस तरह से दरमियान में से हमारी पत्ती खाली होगी, जिसके नीचे बाद में हम टिश्यू लगा लेंगे। दरमियान में से हमने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं ताकि हमारा कपड़ा आसानी से फोल्ड हो सके। ये हमारी बैक साइड है, जिसपे 1/2 इंच की चेपी ऊपर है, और दरमियान में हमने ये 3-3 इंच के फासले पे इधर हम पोटली बटन लगाएंगे मल्टी कलर के, और नीचे हम समोसियां बना के मल्टी लगाएंगे। और ये पत्तियां हमारी इस तरह से टिश्यू के ऊपर बनेंगी। इसको हम ग्लू लगा के उल्टी साइड पे चिपका के पत्ती को शेप दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ये कपड़ा कट कर लिए, UHU लगा के कपड़े को फोल्ड कर दिया है। इस तरह से पत्तियां हमारी नीट हो गई हैं। अब हम इसके नीचे लगाने के लिए टिश्यू बनाएंगे। हमारा टिश्यू का कपड़ा है, जिसको हम इसके नीचे लगाएंगे। पहले हम टिश्यू के अंदर समोसियां लगा लेंगे, जिसके लिए हमने ये 1.5 इंच की चौड़ाई में और 1.5 इंच की लेंथ में कपड़ा काट लिया है। ये हमारे पास 4 कलर का कपड़ा है, इसी कलर की हमने पोटली बटन भी बना लिए हैं ये वाले। इधर हम ये समोसियां लगाएंगे, टिश्यू को इस तरह से नीचे रखते हुए कपड़े को फोल्ड करके समोसियां लगाते जाएंगे। समोसियों का साइज हमने छोटा ही रखना है। समोसियां अपनी हमने निकाले हैं, फांसी कपड़ा अंदर से तराशते हैं। फालतू कपड़े को अंदर से हमने तराश के नीट कर लिया है। हम इसी तरह से अब इसको डबल पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस्त्री की मदद से हमने अपने टिश्यू को नीट कर लिया है। अब हम इसको कटाई करने के लिए, और हमें लेंथ थोड़ी सी बड़ी चाहिए, इसके लिए हम इसको दरमियान में से काट लेंगे इस तरह से। ये हमारा कट के टिश्यू चौड़ा हो गया है। इस तरह से अंदर करते हुए हम इसको कटाई कर लेंगे ताकि हमारी ऊपर से नीटनेस रहे। नीचे से फोल्ड करके हमने तरपाई करके नीट कर लिया है। अब हम अपना ये ट्राउजर का डिजाइन फिट करेंगे, जिसको हम इस तरह से रखते हुए हमने ये समोसियां लगाई थी लगा लेंगे, ताकि हमारी सिलाई के दौरान ये हिले ना।
मेरा गोल है सिलाई का छोड़ते हुए। अब हम ये पॉटली बटन लगाएंगे जो हमने पहले से बना के रखे हुए थे। जिसको लगाने के लिए हम ये अपना सिंगल पैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने अपने पांचे में पॉटली बटन लगा लिए हैं। अब हम ये दरमियान में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के दरमियान में से कपड़े को बिठा लेंगे। ये हमारा डिजाइन बनके तैयार है बाजू और ट्राउजर पे। हम सेम इसी तरह से बना सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक हमारे रोजाना की वीडियो पहुंच सके। और हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।